कई सालों पहले जापानीज अंडरवर्ल्ड पर मिनीगिशी की हुकूमत चलती थी। वैसे मिनीगिशी बहुत ही बेरहम आदमी था, पुराने ख्यालों का था, उसके लिए परंपरा और वफादारी ही सब कुछ थी। एक बार गैंग में घुस गए तो घुस गए, फिर तुम परिवार का हिस्सा बन जाते थे। फिर एक दिन अचानक अंडरवर्ल्ड में 6.5 फीट के एक रशियन कमीने की एंट्री हुई। सुनने में आया या तो उसे किसी रशियन माफिया ने निकाल दिया था या वो एक XKGB एजेंट था। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर ये सब जानते थे कि रशियन गैंग में वो तेजी से ऊपर उठ रहा था, रुकावटें लांघते हुए, सबको रौंदते हुए। और बस कुछ ही दिनों में वो मिनीगिशी का सबसे खास आदमी बन गया था। मिनीगिशी के साथियों ने उससे कहा, होश में आओ बॉस, ये रशियन भरोसे के लायक नहीं है, इसे गैंग से निकाल दो। उन्होंने कहा ये खतरनाक है, वो उसे बीमारी मानते थे, अ व्हाइट डेथ। जल्दी उनका डर सच साबित हुआ, उसने नए साथी बनाए, अपनी गैंग बनाई। और फिर उसने क्या किया, उसी की पीठ में खंजर घोंपा, मतलब उसे धोखा दिया, मिनीगिशी का उसने भेजा उड़ा दिया। एक ही रात में उसने मिनीगिशी गैंग का नामो निशान मिटा दिया और वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया।